एक बड़ा झटका है, न केवल कश्मीर के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को भी, और ये गरीबी को और बढ़ा देगा। इससे फैसला किसानों को एक चोट। नहीं नहीं बेकार, फारूक अब्दुल्ला साहब समझ ही नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का ये आत्मनिर्भरता वाला मॉडल, आत्मनिर्भरता कहते हैं, और कि ये किन प्रकार किस प्रकार हमारी इकोनॉमी, हमारे जो सेब उत्पादक लोग हैं, सिर्फ कश्मीर नहीं, हिमाचल उत्तराखंड, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं, तो जाहिर तौर पर ये कीमत है। शायद प्रधानमंत्री जी के मित्र भी इस बिजनेस में हैं, हमें पता चला है। अब देखिएगा कैसे वारा न्यारा होता है, लेकिन ये चिंता का विषय है और उन्होंने सामूहिक चिंता फारूक अब्दुल्ला साहब ने व्यक्त की। सर जनरल वीके सिंह का बयान आया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को कुछ समय बाद अपने आप ही भारत में विलय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार करिए। मैं तो जनरल साहब से कहूंगा, मणिपुर बड़ा परेशान है, देश में अलग अलग जगह अपने लोगों के बीच में नुकीली दीवारें आ गई हैं साहब। जनरल वीके सिंह साहब, पहले इन्हें समेट लीजिए, फिर ये भी ख्वाब पूरा हो जाएगा, लेकिन जो है वो महफूज रहे, जो है वो सुरक्षित रहे, जो है उसमें सौहार्द रहे। उसके लिए जनरल साहब आपको कभी बोलते नहीं सुनता, बड़ा कष्ट होता है। आप तो सबसे बड़े पद पे रहे, उस पद के व्यक्ति की एक गरिमा अलग होती है, उसका स्मरण करिए। सर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहा सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों पर हमला बोलते हुए कहा उनकी जीभ खींच ली जाएगी और आंखें निकाल दी जाएंगी। अच्छा, शेखावत साहब करेंगे, कमाल की बात है। सनातन के बारे में कितनी समझ शेखावत साहब को है? क्या सनातन और वर्णाश्रम में साम्य है? जवाब दीजिए। गजेंद्र सिंह जी, मैं ये भी कहूंगा कि सीवर में उतर के मरने वालों की जाति क्यों नहीं बदल रही है? ऊंच नीच क्यों है? क्यों आज भी रोहित बेमूला को आत्महत्या करनी पड़ती? एक बार जवाब दीजिए ना, शास्त्रार्थी हो जाए, वो तो हमारी परंपरा रही है। आइए बैठते हैं, कहीं भी, जगह आप चुनिए, दिन भी आप चुनिए, शास्त्रार्थ हो। हर धर्म को मैं समझता हूं इस किताब की कसौटी पे आना होगा, इससे बड़ी कोई किताब नहीं है साहब, पुरखों ने दी है संभाल के रखने के लिए। बस इतना ही कहूंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।